सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ये से रूपा जी, बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज हो चुकी है। कल को सोयाबीन सेवरल मंथ्स हाई पर जा चुकी थी, लगभग 7 महीने के ऊंचे स्तर पर थी। यूएस सोयाबीन की बात करें तो अगर $1530 के ऊपर थी, आज भी देख रहे हैं $1530 के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन रूपा जी देख रहे हैं कि विदेशों का असर घरेलू वायदा पर इतना देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही हाजिर पर, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर विदेशों में एक भी दिन घटबड़ होती थी तो उसका असर सीधे सीधे सोयाबीन में पड़ता नजर आता था। लेकिन अब देख रहे हैं कि चुनाव हैं तो सरकार भी नहीं चाहती कि ज़्यादा महंगाई बढ़े, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि लगभग सभी खाद्य तेलों में नरमी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ 1 से 1.5 महीने के बाद सोयाबीन में तेजी बन सकती है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ की आशंकाएं अभी जताई जा रही हैं, और वहीं अमेरिका से अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते कल शिकागो भी हमने देखा कि हाई पर बंद हुआ है। तो अभी फिलहाल जो है बाजारों में तेजी का रुझान जो है वो बना रह सकता है। वहीं यूएसडी की रिपोर्ट के भी कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं, जिनसे ये दिखाई देता है कि सोयाबीन अभी काफी जो प्रोडक्शन है इसका काफी कम है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर प्राइसेस के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन के मद्देनजर अभी बाजारों में एक सुस्ती का माहौल है। तो आप देखिए, यहाँ से बाजार गिरे भी नहीं है और ना ही कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन हाँ, जो विदेशी बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।